बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु टू ऑल ऑफ यू। सो एज यू नो दैट दिस इज़ आर इंग्लिश क्लास एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आर यूनिट नंबर 11, दैट वाज द वोफ कब। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट्स एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट थिंग इन द एक्सरसाइज इज थीम। थीम बेसिकली उर्दू में इसको बोलते हैं असल मौजू, किसी भी टॉपिक का कोई भी चैप्टर लिखा जाता है तो उसके आखिर में जो थीम हो तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हम लोग उसका असल मौजू बयान करते हैं 4 से 5 लाइन्स, 2 से 3 लाइन्स में वो पूरा जो 3-4 सफ़ों का हमने चैप्टर पढ़ा हुआ होता है वो उसका उन 2-3 लाइन में थीम बयान कर लेते हैं। सो वट इज़ द थीम ऑफ दैट चैप्टर? द स्टोरी कवर्स द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन वन्स लाइफ एंड द रिलेशनशिप दैट एवरीवन हैज़ विद नेचर। फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन इज द थीम। ओपन बुक फ्रॉम पेज नंबर 115 एंड देन सी द वीडियो एंड ऑन योर बुक टू। सो द स्टोरी कवर्स द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन वन्स लाइफ। के इस कहानी में जो असल मौजू है वो ये है कि जिंदगी में जो किसी भी इंसान के या किसी की जिंदगी में भी जो दूसरों के साथ रिश्ते होते हैं उनकी अहमियत को बयान करता है। एंड द रिलेशनशिप दैट एवरीवन हैज़ विद नेचर, और उस रिश्ते को भी बयान किया जा रहा है इस कहानी में भी, या इस कहानी का असल मौजू एक ये भी है जो कि हर इंसान का या हर किसी का कुदरत के साथ है, इस कायनात के साथ है। फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन इज़ द थीम। फ्रेंडशिप का मतलब अगर दोस्ती, एंड कॉपरेशन मीन बाहमी तावन, इकट्ठे रहना, मिलजुल के रहना। तो बोल रहे हैं कि इस कहानी का जो असल मौजू है उसमें दोस्ती भी है और बाहमी तावन भी इस सबक का असल मौजू है। सो दैट वॉज द थीम। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लॉसरी, वर्ड्स मीनिंग्स। अब इन वर्ड्स को पहले से ही मैंने कुछ वर्ड्स को आपको साथ साथ में इंग्लिश मीनिंग बताए थे, जो हमारे पास रह गए थे वो यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो आपने पेन के साथ ही इनके मीनिंग्स वगैरह आगे मेंशन कर लेने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ इन्फेंट, अ वेरी यंग चाइल्ड और बेबी, यानी कि बचपन ही से या मासूम। नेक्स्ट वर्ड इज़ वार्न्ड, वार्न्ड मीन्स इन्फॉर्म समवन इन एडवांस ऑफ अ पॉसिबल डेंजर और सिचुएशन, इसका करें खबरदार किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेम्बल, tremble means shake, is a result of anxiety, excitement या fear, यानी कि कांपना। Next word is reign, the English meaning of the word reign is the period of rule of a monarch, यानी कि दौर। Next word is terror, extreme fear, यानी कि खौफ। Next word is thunderous, speak loudly and forcefully or angrily, यानी कि खौफनाक। अब इनको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इनके मीनिंग यही है जो सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। सो हर्ड, थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, यानी कि फेंकना। आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी हमने पढ़ी तो बोल रहा है कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, अहम किरदार हैं, वो कौन हैं। तो आपको हमने जो नोट्स दिए थे वो आप ओपन कर लें। इनमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मैन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर, कहानी के जो अहम किरदार हैं वो कौन से थे? मोगली, का, वाइल्ड बुल्स एंड चीतू, बाकी भालू, बगीरा, ये सब जो हैं ये माइनर करेक्टर्स हैं, ठीक है। सो आर देर एनी माइनर करेक्टर्स इन द स्टोरी? इफ सो हु आर दे, क्या इस कहानी में कोई माइनर करेक्टर्स भी हैं, मेजर जिनका रोल ज़्यादा और माइनर ऐसे जिनका कोई इतना खास रोल ना हो, बस एक दफ़ा तस्करा आ गया या जिक्र आ गया। तो बोल रहा है कि ऐसे भी कोई माइनर करेक्टर्स हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं? इट्स आंसर विल बी येस, देयर आर आल्सो सम माइनर करेक्टर्स इन द स्टोरी, दे आर द टाइगर, भालू, द बियर, बगीरा, द पैंथर, द स्नैक एंड द मदर वोफ। ये हमारे पास क्या है, इसके माइनर करेक्टर्स हैं। द थर्ड क्वेश्चन in the exercise is that is there any moral in the story? If so, what is it? kya is kahani mein koi moral ya natija hai? agar hai to wo kya hai? yes, there is a moral lesson in this story. ji ha, is kahani mein ek hamare paas natija maujood hai, aur wo kya hai? that we should not plan bad things for others, ke hame dusron ke liye buri cheezon ka mansooba nahi banana chahiye, jaisa ke cheetu ne banaya tha. ab mogli se kuch bhi nahi kehta tha, lekin waise usko uske sath kya tha, बेरी था उसका, यानी उसे कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था, सॉरी कत्ल नहीं, मारना चाहता था। सो वो उसके साथ प्लान कर रहा था, तो बदले में क्या हो गया, उसकी अपनी ज़िंदगी चली गई। फोर्थ क्वेश्चन इज विद हूज हेल्प डिड मोगली किल चीतू, किसकी मदद से मोगली ने चीतू को मार दिया।
Its answer will be that Mowgli, with the help of his friend Kaa, gathered 8 wild bulls with the longest and sharpest horns. Collectively, they killed Chitu. कि मोगली ने अपने दोस्त का की मदद से 8 जंगली बैलों को इकट्ठा किया, जिनकी बहुत ज़्यादा लंबे तरीन और तेज तरीन सींग थे, और इकट्ठे होकर मजमू तौर पर मिलकर कलेक्टिवली उन सब ने क्या किया, चीतू को मार दिया। द फिफ्थ क्वेश्चन, विच करेक्टर डू यू डिसलाइक एंड वाई? इस कहानी में ऐसा कौन सा करेक्टर है, किरदार है, जिसको आप पसंद नहीं करते और क्यों? रीज़न क्या है? आई डिसलाइक चीतू, तो मुझे चीतू का कैरेक्टर नहीं पसंद। क्यों? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू किल द इनोसेंट मोगली, क्योंकि वो मासूम मोगली को कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था, नुकसान पहुंचाना चाहता था। छठा क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड वाई? आपका इस कहानी में पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों है? रीजन क्या है? माई फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी इज का। का मेरा पसंदीदा किरदार है इस कहानी में, बिकॉज ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स एवरी टाइम, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरीज? कहानी की सेटिंग वगैरह कहाँ पर की गई है, कहाँ पर फरमाई गई है, कहाँ फरमा की गई है, बयान की गई है? द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन द जंगल। चूँकि टार्जन के हवाले से, ये सॉरी मोगली के हवाले से बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये जंगल में होगी। सो द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन द जंगल, के कहानी जंगल में इसकी सेटिंग बयान की गई है या कहाँ फरमा की गई है। सो आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर बी इन द एक्सरसाइज, Write in the space provided the category each of the sentence falls in, that is character, setting or problem. तीन चीज़ें बोल रहा है कि character बताना है आपने, setting बताना है और problem. Problem आपको पता है, मसला, setting, कहानी कहाँ पर बयान explain की गई है, मोहल्ले वकू और character किरदार। तो पहली चीज़ बता रहा है कि मोगली एंड बालू, मोगली और बालू, आया ये मसला है, ये कहानी बयान की गई है या ये करेक्टर हैं? तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, किरदार हैं इस कहानी के। सो मोगली एंड बालू आर कैरेक्टर्स, यू विल हैव टू राइट करेक्टर। मोगली चीतू इज इन अ टेरेबल टेम्पर, मोगली चीतू शदीद गुस्से में है। ही इज़ गोइंग अराउंड टेलिंग एवरीवन दैट ही वांट्स टू किल यू, वो हर किसी को ये बताना चाह रहे हैं और हर किसी को ये बता रहा है कि वो तुम्हें मारना चाहता है। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक मसला है, प्रॉब्लम है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड इन द थिक ऑफ अ जंगल, घने जंगल में, इन द डेंस ऑफ अ जंगल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कहानी की सेटिंग हो गई। सो यू विल हैव टू राइट सेटिंग। आफ्टर दैट, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 116, एंड देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इन द वोकैबुलरी व्हाट ही इज सेइंग, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड टेल विच पार्ट ऑफ अ स्पीच दे आर। बोल रहा है कि आपने क्या करना है, डिक्शनरी ओपन करनी है, इनके इंग्लिश मीनिंग ढूंढना है और साथ में बता देना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। So these words are pierced, signal, flung, momentum, announced and circled. So the first word is pierced. The second word is signal. So flung, momentum, announced, circled. ये question आपने खुद करना होगा। चलें एक आपके लिए मैं इनमें से कोई भी एक word, for example हम लोग signal को ही search कर लेते हैं, बता लेते हैं कि क्या है। तो डिक्शनरी का यूज़ मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि कैसे हम डिक्शनरी को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने क्या करना है जी, सिग्नल वर्ड को सर्च करना है, ठीक है? क्या है सिग्नल का मीनिंग में हमने देखना है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले डिक्शनरी ली, उसके बाद डिक्शनरी में हम लोगों ने क्या करना है, सिग्नल एस से है तो एस को हमने सर्च करना। तो अब ये मैंने सिग्नल वर्ड सर्च किया है, अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो सेंसेस में आया हुआ है सिग्नल, ये लिखा हुआ है सिग्नल। सिग्नल में पहले हमारे पास ये प्रोनाउंसिएशन बता रहा है कि सिग्नल, यानी कि ये दो सिलेबल्स पर डिवाइड है। फिर आगे बता रहा है कि सिग्नल यहाँ पर हमारे पास एज अ नाउन आ रहा है, ठीक है? नाउन एन लिखा हुआ है, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, असाइंड टू गिव नोटिस ऑफ सम अक्रेंस, डेंजर एट्सेट्रा, एन इंडिकेशन, इशारा, खबर, निशान, अलामत, सिग्नल, अ ग्रीन ट्रैफिक लाइट इज़ द सिग्नल, इज़ द गो सिग्नल, या आगे इसका सेंटेंस बनाया हुआ है सिग्नल पे। और दूसरा सिग्नल हमारे पास क्या बताया हुआ है, इसमें भी हमारे पास इसके दो सिलेबल्स हैं सिग्नल, ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, अब एमिनेंट और रिमार्केबल, मशहूर, नामवर, काबिल या यादगार, द पुलिस मैन सिग्नल द ड्राइवर टू स्लो डाउन, सिग्नल डिफीट, शिकस्त फाश, सिग्नल विक्ट्री, फतह नुमाया या अजीम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कहानी में जो यूज़ हुआ है वो कौन सा है, ये वाला सिग्नल है, ठीक है? तो आपने क्या करना होगा कि आपने सिग्नल लिखा,
उसके बाद प्रोनाउंसिएशन सॉरी सिलेबल्स आपने खुद अपने माइंड में ही देख लेना है कि क्लियर कर लेना है कि इसकी कितने सिलेबल्स हमारे पास बनते हैं। उसके बाद आपने लिखना है एन, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि दैट इज़ अ नाउन फुल स्टॉप एंड असाइन टू गिव नोटिस ऑफ सम अकरेंस डेंजर आर एट्सेट्रा, यानी कि इस तरह से आपने करना है। आगे उर्दू मीनिंग भी अगर एक लिख लें तो अच्छी बात है। सो इसके बाद हमारे पास इसी तरह आपने पियर्स वर्ड को भी सर्च कर लेना है, फ्लंग को भी हो दिखा लेना है, मोमेंटम अनाउंस्ड सर्कल्ड, चलें मोमेंटम को मैं सर्च कर लेता हूँ इनमें से, ये डिक्शनरी। अब इसमें हमने मोमेंटम को सर्च किया तो मोमेंटम हमारे पास आ गया कहाँ पर, MOMMN, ये है मोमेंटम। अब मोमेंटम हमारे पास देखें यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या बताया, वो उसके सिलेबल्स बताए हुए हैं, क्या है इसके सिलेबल्स में डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे, मोमेंटम यानी कि तीन सिलेबल्स होंगे, ठीक है। सो मोमेंटम आगे हमारे पास एज अ क्या है, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, सो मोमेंटम इज़ अ नाउन, और इंग्लिश मीनिंग इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पिटस और द फोर्स ऑफ मूविंग बॉडी, मुतहरक चीज़ का जोर या सदमा या कुव्वत रफ्तार, यानी कि कुव्वत रफ्तार कर लें, ठीक है, जो हमने पीछे भी किया था द फोर्स ऑफ मूविंग बॉडी। सो इस तरह से ये हमने सर्च कर लिया। अब आपका यही काम होगा साथ में कि ये जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं, यानी कि अनाउंस्ड और सर्कल्ड और फ्लंग और पियर्स्ड, इन वर्ड्स को आपने सर्च करना है और इनका एक तो लिखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया ये कौन से हैं, और दूसरे नंबर पर साथ ही इनके इंग्लिश मीनिंग। इसके बाद जी पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 117 ओपन करेंगे आप सब। 117 पे क्या बोल रहा है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग में मेक ग्रुप्स ऑफ फाइव स्टूडेंट्स ईच फॉर रोल प्ले, चेंज योर वॉइस टू एक्ट आउट द रोल, द राइज एंड फॉल ऑफ द योर टोन शुड इंडिकेट द इमोशंस ऑफ प्राइड हैप्पीनेस पोलाइटनेस सैडनेस एंड रिवेंज। बोल रहा है कि आपने अब देखें 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर्स हैं, अब चूंकि हम लोग क्लास में मौजूद हैं नहीं वरना मैं आप लोगों से ही पढ़ाता, लेकिन अभी क्लियर कर रहा हूँ कि 5 बच्चों को हमने खड़ा किया, ठीक है, उसमें से आपको फिर ये वाली जो इन्होंने बॉक्स में बोले हुए हैं लाइंस वगैरह, इनको आपने क्या होगा पढ़ना होगा, लेकिन कैसे पढ़ना होगा, इमोशंस को आपने अपने माइंड में रखना है, टोन को अपने माइंड में रखना है, खुशी की है तो आया, जिस वक्त हमें खुशी मिलती है तो हमारा अंदाज कैसा होता है, हमारी टोन कैसी होती है, पोलाइटनेस सैडनेस रिवेंज, तो इन मकसद के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दैट इज़ द लाइन, तो लाइन हमारे पास क्या कह रहा है कि Does my face not remind you of what a grown man can do? I hate men. बल्कि नहीं, स्टार्ट हमारे पास यहाँ से हो रहा है, टाइगर को छोड़ें, स्टार्ट हमारे पास स्नैक से हो रहा है। स्नैक हमारे पास क्या कह रहा है, ऊपर देखें, I know where you come from, poor sweet little cub, Mowgli. I'll keep you close. Let go of your fear now and trust me. यानी कि मैं जानता हूँ कि मोगली तुम कहाँ से आए हो, तुम एक छोटे से प्यारे से बच्चे हो मोगली, मैं तुम्हें आई कीप यू क्लोज, लेट गो ऑफ योर फियर नाउ एंड ट्रस्ट मी, कि तुम खौफ ना करो, डरो नहीं, और क्या करो, मुझ पर यकीन रखो। अब अगली बात क्या बोल रहा है, ये जो बगीरा है आई थिंक सो, ये क्या बोलता है, द जंगल इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर यू, ओनली मैन कैन प्रोटेक्ट यू नाउ, कि जंगल अब तुम्हारे लिए, यानी कि टोन हमने देखनी है, ठीक है, अंदाज हमारा रीडिंग के अंदाज में नहीं, द जंगल इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर यू, ऐसे नहीं, बल्कि टोन के अंदाज में के हमारा यहाँ पर इमोशन क्या होना चाहिए, द जंगल इज नो लॉन्गर सेफ फॉर यू ओनली मैन कैन प्रोटेक्ट यू नाउ, कि जंगल अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, सिर्फ इंसान ही तुम्हें बचा सकते हैं। तो सांप अब क्या कहता है, स्नैक, डज माई फेस नॉट रिमाइंड यू ऑफ वट अ ग्रोन मैन कैन डू, आई हेट मैन, कि मेरा चेहरा देखकर तुम्हें याद नहीं आता, तुम्हें नहीं समझ आती कि इंसान क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे इंसानों से नफरत है, ये इस लाइन ने बोला है, ठीक है। फिर मोगली क्या कहता है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द मैंस विलेज, मैं इंसानों के गांव में नहीं जाना चाहता, आई वॉन्ट टू स्टे राइट हियर इन द जंगल विद वॉक्स, मैं भेड़ियों के साथ यहाँ पर जंगल में रहना चाहता हूँ। और लास्ट में बालू क्या कहता है, इफ़ anything happens to मोगली, अगर मोगली को कुछ भी पेश आया, मोगली के साथ कुछ भी हुआ, I'll never forgive myself, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, He is my best friend, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, यानी कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। सो आई थिंक सो दैट इट्स एनफ फॉर टुडे।
And now moving towards your homework. So for your homework, you will have to write these meanings, these 1, 2, 3, these three meanings on your book. After that, in the glossary question, you will have to write the Urdu meanings of these words on your book. And then that question number B, you will have to write that whether it is a character, it is a problem, or it is a setting, and on your book, not on copy. 1, 2, 3, you will have to write these their concerning things, their meanings and their character, setting, or problem on your book. And after that, your homework for online page is to write the vocabulary, and in the vocabulary question number A, I have told you the signal and the momentum, that which part of a speech they are and what are the meanings of these two words. So homework yahi hai aapka ki aapne wo jo online wali sheets wagaira hain un pe aapne 1 2 3 4 5 6 in 6 words ke parts of speech ko search karna hai, wo likhna hai aage, जो भी है उनकी एब्रीवेशन डाल देनी है और उसके आगे उनकी इंग्लिश मीनिंग लिख देना है और इनकी पिक्चर लेके भी सेंड करनी है. और इसके अलावा ये जो हमारे पास तीन क्वेश्चन है 1, 2, 3, इनको तो चलें हमने नोट्स पर ही किया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये जो हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं इनको आपने बुक पर ही करना है. सो आई थिंक सो दैट इट्स एनफ फॉर टुडे. इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.